हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड जितेंद्र आईटी स्पोर्ट की इस वीडियो में आपका सबका बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है जिसके ऊपर हम वीडियो बना रहा हूं मैं, वो विषय ये है कि किस तरह आप अपने मोबाइल के ऊपर कोई नंबर को सिम के अंदर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर अपनी जीमेल के आईडी के ऊपर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बाद में आप उसी जीमेल की आईडी से अपने नंबरों को अपने मोबाइल पर कैसे डाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर आपने आप पे क्लिक करना है। इसके बाद एक बेल के आइकन का बटन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। बेल आइकन का बटन ऊपर क्लिक करने का मतलब ये है जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए फ्रेंड, अब अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं अपने मोबाइल में गया और अपने कॉन्टैक्ट में जा रहा हूँ। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद आपने ये ऊपर तीन डॉट देख रहे हैं, इनके ऊपर क्लिक करना है। इस पर आप देख रहे होंगे इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट योर कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। देखिए फ्रेंड, पहली ऑप्शन ये है कि इम्पोर्ट करना आपने पहली अपनी सिम पे, मेरी जियो की पहली सिम है, दूसरी मेरी वोडाफोन की सिम है, मैं दोनों सिम में डाल सकता हूँ या फिर मैं अपने ही चाहूँ तो अपनी जीमेल की आईडी है ये मेरी, तो मैं अपनी जीमेल की आईडी पे भी इन्हें इंपोर्ट कर सकता हूँ। बड़ा सिंपल वे है, आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद सीधा ही आप अपने सारे कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, जैसे कि मैं मोड कर रहा हूँ अपनी जीमेल की आईडी के अंदर, देखिए इंपोर्ट होना शुरू हो गए हैं मेरी जीमेल की आईडी में। जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट अभी तक सेम हैं वो सारे के सारे कॉपी हो गए हैं मेरी जीमेल की आईडी के अंदर। अब जीमेल की आईडी पे कॉपी होने के बाद आपने दोबारा इसी पे क्लिक करके उन्हें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट तो हमने कर दिया, फिर आपने एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट भी सेम विजन है, वैसे ही आपने एक्सपोर्ट करना है जैसे करना है। देखिए फ्रेंड, अगर आप अपने सिम के अंदर नंबर डालना चाहते हैं तो इंपोर्ट यहाँ से करेंगे आप, पहली वाली ऑप्शन से आप क्लिक करके इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये इंपोर्ट के लिए बोल रहा है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये एक्सपोर्ट करने के लिए ये बटन है, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल वे है। इसी तरह आपके सारे कॉन्टैक्ट, आपके मोबाइल नंबर या आपकी जो भी लिस्ट है, जो आपने मोबाइल नंबर है, जो आपके सेव नंबर है, वो आपके सारे के सारे आपके मोबाइल में आ जाएंगे। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या जो जानकारी मैंने दी आपको बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ ये वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और ये वीडियो देखने के लिए आप बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद।